फ्रेंड्स, आज हम लोग बनाएंगे 36 साइज डबल कटोरी ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग दोनों ही। ब्लाउज का मेजरमेंट दिया हुआ है, इसी के अकॉर्डिंग कटिंग होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम लोग चेस्ट का 1/4 लेंगे, यानी 36 का 1/4 9 इंच, उसके साथ 2 ऐड करके कपड़े को 2 फोल्ड में फोल्ड कर लेंगे। 11 इंच पे कपड़े को पहले बैक साइड की कटिंग करेंगे। ये हमेशा याद रखिए, हमेशा ब्लाउज की परफेक्ट कटिंग होती है बैक साइड से ही। पहले बैक साइड की कटिंग कर लेंगे। इलेवन इंच पे 2 फोल्ड कर लिया है। ब्लाउज की लंबाई है 13.5 इंच, उसके साथ 1 इंच ऐड करेंगे, 14.5 इंच पे लंबाई लेंगे। 1 इंच हम लोग सिलाई मार्जिन लेंगे, ऊपर का 1/2 इंच, नीचे का 1/2 इंच, क्योंकि ये बैक नेक ज़्यादा डीप नहीं होगा, इसलिए शोल्डर हम लोग ज़्यादा लेंगे, यानी 6 इंच पे हम लोग शोल्डर लेंगे। अगर डीप बैक साइड और ज़्यादा डीप होता तो हम लोग 5.5 इंच पे लेते हैं। आर्महोल की डीप भी लेंगे 6 इंच पे। और चेस्ट का तो पहले ही नाप ले लिया है, चेस्ट का 1/4, अपर चेस्ट का 1/4 प्लस 2 इंच, उसी के अकॉर्डिंग आर्महोल की कटिंग होगी। अब हम वेस्ट का नाप लेंगे। वेस्ट का भी 1/4 प्लस 2 इंच की जगह हम लोग 3 इंच ऐड करेंगे, या तो आप लोग साइड से 1/2 इंच या 1/4 इंच छोड़ के भी नाप लगा सकते हो। आर्महोल की शेप थोड़ी नीचे की तरफ, चेस्ट की चेस्ट लाइन से थोड़ा नीचे ले जाएंगे, इससे आर्महोल की फिटिंग अच्छा होता है। और नेक लाइन के लिए लेंगे 3 इंच पे, और नेक की बैक नेक की डीप है 7.5 इंच, हम लोग लेंगे 8 इंच पे। और राउंड नेक बनेगा, इसलिए ऊपर 3 इंच लिया है, नीचे 4 इंच पे मार्क लगा लिया है, जिससे राउंड सुंदर बनता है। और शोल्डर को 1/2 इंच डाउन कर देंगे और इसकी कटिंग कर लेंगे। और बैक पार्ट के हिसाब से ही फ्रंट पार्ट कटेगा, इसलिए बैक पार्ट पहले कटिंग करना बहुत ज़रूरी है। और ये डायरेक्ट फैब्रिक के कटेगा, इसलिए हम लोगों को बहुत ध्यान से इसकी नाप लेना है और ड्रॉ करना है। और फ्रंट पार्ट के लिए 2 इंच एक्स्ट्रा करके, पहले 11 इंच लिया था, उसके साथ 2 इंच ऐड करेंगे, 13 इंच पे कपड़ा फोल्ड कर लेंगे। अब बैक पार्ट को इसके ऊपर सेट कर लेंगे, फ्रंट के साइड 2 इंच छोड़ते हुए बैक पार्ट को इसके ऊपर बिठा लेंगे, सेट करके सामने से 2 इंच हम लोग छोड़ देंगे, जो हम लोगों का कटोरी बनेगा। क्योंकि डायरेक्ट फैब्रिक पे कटिंग होगा, इसलिए 2 इंच एक्स्ट्रा लेना बहुत ज़रूरी है। अगर अपर चेस्ट और फुल वेस्ट का मेजरमेंट एक ही हो तो 1.5 इंच से भी चलता है, लेकिन यहाँ पे अपर चेस्ट और फुल बस्ट में 2 इंच का अंतर है। अब फ्रंट नेक है 6.5 इंच, तो उसी हिसाब से हम लोग फ्रंट नेक भी ड्रॉ कर लेंगे। अब हम बस्ट पॉइंट के साथ, बस पॉइंट जितना है उसके साथ 1.5 इंच ऐड कर लेंगे, यानी 10 है, 11.5 इंच पे बस पॉइंट लगाएंगे और इसको सीधा खींच लेंगे। अब लेंगे फुल बस्ट कटोरी के लिए, फुल बस्ट का 1/4 -1 इंच करेंगे।
फुल बस्टेड 38, सो हम लोगों का 9.5 इंच आता है, हम लोग 8.5 इंच पे मार्क लगाएंगे और उसका भी मिडिल पॉइंट निकाल लेंगे और नाप लगा लेंगे। अब साइड से नीचे की तरफ 1 इंच पे मार्क लगाएंगे और ऊपर की तरफ 1.5 इंच पे नाप लगाएंगे और फ्रंट के साइड कटोरी के 1.5 इंच पे हम लोग पॉइंट लगा लेंगे और चारों पॉइंट को सेंटर से, जो सेंटर का जो मिडिल पॉइंट है, मिडिल पॉइंट से मिला लेंगे। और थोड़ा गोलाई दे देंगे, दोनों पार्टों में थोड़ा सा गोलाई दे देंगे और ऊपर की कटोरे की शेप भी दे देंगे। ऐसे तो 5.5 इंच पे कटोरी की शेप अच्छा होता है, आप लोग अपने हिसाब से दे दीजिए। और मैंने यहाँ पे नेक का चौड़ाई लिया 3 इंच अच्छा आता है। अगर किसी को नेक चौड़ा चाहिए तो वो आप लोग 3.5 इंच पे ले सकते हो। और कटोरी के नीचे के हिस्से का फुल बस्ट का तिरवा भाग और 1 इंच ऐड करके कटोरी का निचला पार्ट बनेगा। अब ऊपर के पॉइंट के साथ नीचे के पॉइंट को मिला लेंगे। इधर से भी 1 पॉइंट ऊपर एक पॉइंट लगा लेंगे और उसको मिला लिया है। अब देखिए हम लोगों ने जो 1 पॉइंट और 1.5 इंच पे मार्क किया था, यानी 2.5 इंच हुआ था हम लोगों का, उसके साथ 1 इंच ऐड कर लिया है। 3.5 पे हम लोग नाप लगाया और दूसरे तरफ भी थोड़ा एक तिरछा लाइन खींच लिया है। आर्म होल को भी 1/4 इंच शेप दे देंगे और कटिंग कर लेंगे। ये जो लाइन तिरछा लाइन खींचा है, 1/2 इंच या 1/4 इंच पे मार्क लगाइए। कटोरी ब्लाउज की कटिंग डायरेक्ट फैब्रिक पे करने से आसानी रहती है, क्योंकि बहुत लोग फॉर्मा से भी करते हैं लेकिन सबका बॉडी का मेजरमेंट एक नहीं होता। ये जो टुकड़ा कट के फेंक दिया, ये पीस बहुत इम्पोर्टेंट होता है, इसकी मेजरमेंट अगर गलत हो जाए तो कटोरी अच्छा नहीं बैठता। अब कटोरी वाले हिस्से को बिठा लेंगे बैक पार्ट के ऊपर और 1/2 इंच छोड़ते हुए पॉइंट लगा लेंगे और उसी हिसाब से हम लोग नीचे की पार्ट की कटिंग करेंगे। और मिडिल की तरफ 1 इंच, दोनों तरफ 1 इंच पे पॉइंट लगा लेंगे और उसी 1 इंच पे देखिए इसको बिठाते हुए मार्क लगा लेंगे। उसी पॉइंट के हिसाब से अब दोनों तरफ 1 इंच दबाते हुए एक राउंड शेप दे देंगे और कटिंग कर लेंगे। ये गोलाई देना बहुत ज़रूरी है, ये गोलाई नाप में आता है। आप लोग मत सोचिए कि 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है, जो नाप लिया था उसी के अकॉर्डिंग हम लोगों का
फ्रंट कट और बैक फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट की कटिंग हो चुका। अब स्लीव्स कटिंग करेंगे। स्लीव्स के लिए इंच टेप को शोल्डर से आर्मोल के नीचे तक सेट कर लेंगे। जितना आएगा उसके साथ वन इंच ऐड कर लेंगे। मेरा यहाँ पे आठ आया है यानी एट, उसके साथ वन इंच ऐड करके नाइन पे पॉइंट लगा लेंगे और उसी हिसाब से स्लीव्स की कटिंग करेंगे। क्योंकि यहाँ पे कपड़ा कम है इसलिए दो स्लीव्स हम लोग अलग अलग कटिंग करेंगे। और स्लीव्स की लंबाई है 5.5 इंच यानी 5.5 इंच, हम लोग 6.5 इंच पे मार्क लगाएंगे। इस पे पाइपिंग बनेगा इसलिए मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है। और जिन लोगों को स्लीव्स को मोड़ना है वो लोग और 1 इंच एक्स्ट्रा ले लें। अब दोनों लाइन को सीधा खींच लेंगे और नीचे की तरफ 3 इंच और साइड की तरफ 1.5 इंच, यहाँ पे 1.5 इंच पे और ऊपर की तरफ और एक 3 इंच पे मार्क लगा लेंगे और दोनों लाइन को मिला लेंगे। और मोहरी का भी जितना आता है हाफ कर के 2 इंच ऐड कर लेंगे। अब इसको स्लीव्स आर्मोल की शेप दे देंगे। ऊपर का हिस्सा बैक पार्ट आएगा, बैक आर्मोल, और जो नीचे डीप आएगा वो फ्रंट आर्मोल की कटिंग होगा। अब ये फ्रंट आर्मोल की भी कटिंग कर लेंगे। ये बहुत ज़रूरी है फ्रंट आर्मोल की कटिंग, नहीं तो फिटिंग्स अच्छे नहीं आता। हम लोगों के ब्लाउज की कटिंग कंप्लीट हो चुका, अब हम लोग स्टिचिंग करने चलते हैं। तो चलिए दोनों पीसों को मिला लेंगे। जैसे हम लोगों ने कटिंग किया उसी हिसाब से हम लोग स्टिचिंग भी करेंगे। हाफ इंच दबाते हुए स्टिचिंग करेंगे। दोनों पार्ट को आप लोग चाहे तो डबल स्टिचिंग भी लगा सकते हो। अब टैक्स लगाएंगे 1 इंच पे। क्योंकि हम लोग 2 इंच एक्स्ट्रा लिए थे इसलिए 1 इंच पे टैक्स लगाया है। अगर 1.5 इंच लेते तो 1/2 इंच पे लगाते। ये भी ध्यान रखना ज़रूरी है क्योंकि 1 इंच सिलाई मार्जिन जाएगा, 1 इंच टैक्स में जाएगा। कटोरी बन गया, अब उसको सेट करना है। दोनों तरफ से एक नीचे से करके दिखाएंगे और एक ऊपर से करके दिखाएंगे। देखिए कितना अच्छा सेटिंग हो जाता है। बहुत लोग बोलते हैं कि कटोरी ब्लाउज डायरेक्ट फैब्रिक पे कटा नहीं जाता, देखिए कितना अच्छा। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिए। अब इसको ऊपर से फिटिंग्स करते हुए जाएंगे। देखिए कटिंग कितना परफेक्ट आया है। हम लोगों का फ्रंट पार्ट कटोरी दोनों फिटिंग हो चुका। आप नीचे की पार्ट अटैच करेंगे। नीचे की पार्ट कभी कभार थोड़ा ज़्यादा कम हो जाता है, उसको लेके चिंता मत कीजिए, टेंशन मत कीजिए। उसको हम लोग कट के फेंक देंगे अगर ज़्यादा कम या ज़्यादा हो जाए तो। यहाँ पे भी 1/2 इंच ज़्यादा हो रहा है, इसको हम लोग कट के फेंक देंगे। यहाँ पे डबल स्टिचिंग लगाना ज़रूरी है, इससे लुक्स बहुत अच्छा आता है। एक्स्ट्रा कपड़े को हम लोग काट देंगे। दोनों पार्ट हो चुका। अब हम लोग ब्लाउज की पूरी स्टिचिंग नहीं देखेंगे क्योंकि बहुत लंबा हो जाता है वीडियो।
सिर्फ कटोरी फिटिंग्स करना ही देखेंगे। देखिए हो गया, अब बाकी का हिस्सा तो सभी को पता ही होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, टेक केयर, बाय बाय।